नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री कंप्यूटर ट्रिक्स में। तो यहाँ पे आज एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूँ मोबाइल टेक्नीशियन के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास Xiaomi की MI Note 5 लॉक्ड फ़ोन है तो आप इसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता रहेगा MI में आजकल दो तरह के लॉक आते हैं, एक तो MI क्लाउड अकाउंट लॉक आता है और दूसरा जो है गूगल अकाउंट लॉक, जिसको FRP यानी कि फैक्ट्री सेट प्रोटेक्शन लॉक बोला जाता है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के जरिए आपको बताऊंगा दोस्तों आप कैसे ये दोनों लॉक जो है खोल सकते हैं और जो टूल है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है नीचे दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं हूँ पार्थ आपके साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट 5 प्रो जो फ़ोन है उसको EDL मोड में कनेक्ट करना है दोस्तों कंप्यूटर से। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है, पहले जो है स्विच ऑफ करना पड़ेगा आपको फ़ोन को। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बैटरी कनेक्टर जो है उसको रिमूव करके फिर से लगा दें। लगाने के बाद ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये पॉइंट आप शॉर्ट करें ट्वीज़र के ज़रिए। शॉर्ट करने के साथ साथ आपका जो USB केबल है उसको कनेक्ट करें और ताकि ये जो फ़ोन है कम पोर्ट दिखाई दे, यानी कि EDL पोर्ट, क्वालकॉम EDL पोर्ट जो है वो दिखाई दे दोस्तों आपको डिवाइस मैनेजर में, जैसे कि आपको कंप्यूटर में दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे। तो ये कनेक्ट करने के बाद आप एप्लीकेशन जो है मिराकल बॉक्स का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद प्रोसीजर फॉलो करें दोस्तों। तो जैसे कि दिखाया गया है दोस्तों, आप फ़ोन को EDL मोड में कनेक्ट करें। तो यहाँ पे ये जो फ़ोन है मेरे पास फिलहाल गूगल अकाउंट लॉक है, इसमें MI अकाउंट लॉक नहीं है, वो अनलॉक्ड है। तो यहाँ पे एक बार आपको दिखा दूंगा आप कैसे कर सकते हैं, अगर MI अकाउंट लॉक है आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे EDL मोड कनेक्ट करने के बाद आपको क्वालकॉम टैब में जाएं, उसके बाद एक्स्ट्रा में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मॉडल नंबर सिलेक्ट करें दोस्तों, जैसे कि हमारे केस में रेडमी नोट 5 है, यहाँ पे सिलेक्ट करें और MI अकाउंट अनलॉक वो सिलेक्ट करें। और उसको करने के बाद दोस्तों आपको दूसरी बार MI प्रिवेंट रीलॉक वो ऑप्शन भी अपनाना है। और इसके बाद आपको पोर्ट जो है स्कैन करना है, स्कैन पोर्ट करने के बाद वो जो कॉम पोर्ट है वो आ जाएगा। और यहाँ पे Xiaomi आपका मॉडल नंबर सिलेक्ट करके स्टार्ट बटन में क्लिक करें दोस्तों। क्लिक करने के बाद ये जो MI अकाउंट है वो अनलॉक हो जाएगा। तो जैसे कि मैं बोल रहा था जो फ़ोन है मेरे पास वो गूगल अकाउंट लॉक्ड है, तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको फॉर्मेट करना है और इसका जो MBN फाइल है वो भी नीचे दिया हुआ है दोस्तों, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से। तो क्वालकॉम टैब में जाएं, टैब में जाने के बाद दोस्तों कंपोर्ट जो है वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रीड और फॉर्मेट फ्लैश में सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटो जो है वो उसको अनसिलेक्ट करें। अनसिलेक्ट करने के बाद मैनुअली जो है नोट 5 का MBN फाइल उसको ओपन करें दोस्तों। ओपन करने के बाद एक्स्ट्रा में जाएं, एक्स्ट्रा में जाने के बाद रिमूव अकाउंट लॉक अदर्स वो सिलेक्ट करके स्टार्ट में क्लिक करें। याद रखिए दोस्तों, आपका फ़ोन जो है EDL मोड में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक बार प्रोसेस जो है फेल्ड होता है तो आप दूसरी बार उसको EDL मोड में कनेक्ट करें, यानी कि बैटरी रिमूव करके फिर जो प्रोसेस है वो कनेक्ट करें। अगर आप वैसे ही रिट्राई करते हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसे ही प्रोसेस में रुक जाएगा दोस्तों। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग डन है, तो ये जो है गूगल अकाउंट अनलॉक हो गया दोस्तों। आप ऑन करके आपका फ़ोन जो है वो चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको पता ही चल गया होगा आप कैसे Xiaomi की MI Note 5 फ़ोन जो है उसको अनलॉक कैसे कर सकते हैं, यानी कि गूगल अकाउंट अनलॉक हो या फिर MI अकाउंट अनलॉक हो आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद दोस्तों।